यार जब ना घर में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन होने वाली होती है ना, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और वैसा ही कुछ इस वाले ब्लॉग में भी होने वाला है, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। वैसे आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी अभी हम लोग आए हुए हैं जाखनी में, जो कि महिंद्रा का शोरूम है। एंड भाई आज इतनी खुशी हो रही है ना, सच बताऊँ आज फाइनली घर में आ रही है एक अपनी नई मेंबर, यानी कि जो है आपका बुलेरो। बाकी वहाँ पे दा लोग हैं, वो दादा के फ्रेंड लोग हैं जो कि अभी मतलब टेस्ट वगैरह करें। बाकी यहाँ बुआ है। बुआ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी के लिए बहुत मेहनत की है बुआ ने भी, दादा लोगों ने भी, दीदी लोगों ने, सच बता रहा हूँ मैं। नहीं बुआ नन्नूदा मस्त वहाँ चेक कर रहे हैं चाबी नहीं है नन्नूदा वहीं बैठा रह गया है भयंकर। वैसे मेरे को कार चलानी आती लेकिन लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे, दालू सिखा देंगे थोड़ा बहुत। बाकी ये पूरी जो महिंद्रा की शोरूम है वहाँ के सर लोग हैं, मैम लोग हैं। बाकी गोलूदा आते हुए स्माइल करते हुए, गोलूदा बढ़िया ये नन्नूदा ड्राइवर वैसे मैंने कल ही जूते धोए थे, आज मस्त पहन के आ गया मैंने। बाकी अंदर गंदगी भी नहीं होगी ना इस वजह से। यहाँ पे थार का पूरा वो बना हुआ है पोस्टर, बढ़िया। कभी सोचा था कि सपने में थार भी लेंगे करके, लेकिन वो सपना सपना रह गया। क्या पता आने वाले टाइम पे कभी हो जाए सपना पूरा। आज से करीब 2-3 साल का है ना, मैं सोचा था कि कार सीखूँगा करके, जो येलो वाली नहीं सिखाते जिसमें कार, मैं सोचा था वो सीखूँगा करके। तो उसकी फीस ऐसी आती थी 3,000-4,000 रुपये, उस टाइम पर सीख नहीं पाया। मैं सोचा अगर उस टाइम पर सीख लेता तो आज शायद कार में ही निकाल रहा होता अंदर से बाहर। फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं पेट्रोल नहीं डीजल भरवाने के लिए। एक्चुअली मैं सोचा था कि इसमें भी पेट्रोल भरता होगा, लेकिन इस गाड़ी में जो बुलेरो है उसमें पेट्रोल नहीं डीजल भरता। तो अभी फिलहाल घर पहुंच गए एंड पंडित जी भी आ गए, तो जस्ट अभी थोड़ी देर में शायद मेरे ख्याल से पूजा भी हो जाएगी। चलो लेट्स गो। भाई मेरे को सच बताऊँ सडनली पता चला बुआ ने कहा आ जा रहे हैं डिलीवरी लेने के लिए। मुझे लगा थोड़े टाइम बाद जाएंगे करके, बट सडनली गए और लेके भी आ गए। बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना सूरज की किरण। तो फिलहाल अभी पूजा वगैरह तो हो गई थी गाड़ी की, बाकी अभी हमारा प्लान बना था कि यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं गुरना मंदिर, वहाँ पे भी गाड़ी की पूजा वगैरह होगी। बाकी दा लोग हैं, तो फाइनली अभी दा ट्राई करने वाले हैं गाड़ी।
देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। हम लोग पहुंचे हैं अभी जस्ट गुना मंदिर। वेल, जब भी यहां से गुजरता हूं तो हमेशा यहां रुकता हूं। आज फाइनली अपनी जो न्यू मेंबर है उसकी पूजा करवाने के लिए आज फाइनली अभी मंदिर आए हुए हैं। तो जस्ट अभी पंडित जी भी आए हैं सामने, तो जस्ट इसकी पूजा वगैरह होगी वापस से। इससे पहले तो अभी घर में पंडित जी ने पूजा वगैरह कर ली थी। फिलहाल पूजा वगैरह तो हो गई, चुनरी भी बांध दी है। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी। तो फिलहाल अभी हम लोग आए थे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में, गुना मंदिर से आगे आगे भी पड़ता है, जस्ट एक छोटी सी पार्टी करने के लिए। वेल, आज पता है एक डेट है 29 फरवरी, यानी कि यू नो फरवरी जो लीप ईयर होता है, चार साल में एक बार आता है दिन, तो बहुत एक लकी डे कह सकते हैं, एक बहुत स्पेशल दिन जो है दाने उस दिन गार्डन वाले के। और सच बताऊँ स्टार्टिंग में तो मेरा फ्लो ही बिगड़ गया था भाई, समझ नहीं आ रहा था मतलब व्लॉग कैसे शुरू करूँ, कैसे जो बनाऊँ करके। स्टार्टिंग का मैंने पोर्शन बनाया ही नहीं है, अरे अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो अभी शाम के बज गए हैं 6 और फिलहाल हम पहुँच गए घर में। बाकी टुक्कू भौंक रही है वहाँ, और आज देखो कौन आ रखा है घर में, डॉली चाची। डॉली चाची बहुत टाइम बाद लास्ट। हाँ बुआ सॉरी, इससे पहले आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो लोहाघाट शादी वाला, उसमें थी चाची बुआ सॉरी। ओहो प्रिया दी प्रणाम, दीदी बहुत बहुत बधाइयाँ। टुकु 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 बुनी 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 बुनी